गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पहले तो आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत तेज़ी के साथ इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्म फल के ऊपर कि वास्तव में हमें किन कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, कर्म तीन तरह के होते हैं। एक शब्दों के कर्म होते हैं, विचारों के कर्म होते हैं और कर्मों के कर्म होते हैं। हम जब कोई शब्द बोलते हैं वो भी एक कर्म है, जो हम विचार करते हैं वो भी एक कर्म है, और जो हम कर्म करते हैं ना वो भी एक कर्म है। आपको याद होगा महाभारत की एक घटना, जिस समय दुर्योधन द्रौपदी के महल में गया और वहाँ पर जाने के बाद वो कन्फ्यूज हो गया और गिर गया। द्रौपदी ने अट्टहास किया, हंसा, और हंस करके उसने एक बात बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों, द्रौपदी ने ये शब्द बोल करके कर्म किया, और जानते हैं कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और जो ये कर्म उसने किया उसका परिणाम हमारे सामने था, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, हज़ारों लाखों लोग की मौत हुई। तो दोस्तों, जो हम बोलते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं वो भी हमारे कर्म हैं। हम किसी के साथ जो बात करते हैं उसके भी परिणाम हमारे पास आने वाले हैं। जो हम सोचते हैं वो भी हमारा एक कर्म है। अगर हमारे पास एक मक्खी बैठी है और हमने इसे हाथ से मारा, मक्खी उड़ गई, मक्खी को चोट नहीं लगा, लेकिन मुझे पाप लगेगा या नहीं लगेगा? दोस्तों, हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमने वैचारिक तौर पर उस मक्खी को मार दिया था। वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो उसका भाग्य है, उसका लक है, उसकी किस्मत है, उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं कि वो मक्खी बच गई। दोस्तों, जो हम कर्म करते हैं वो भी एक कर्म होता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, वो भी एक कर्म है। तो दोस्तों, हमारा जीवन जो है वो तीन तरह के कर्मों से प्रभावित होता है। एक तो शब्दों के कर्म, दूसरा विचारों के कर्म, और तीसरा कर्मों के कर्म। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक मंदिर था, उस मंदिर में एक साधु थे, वो भगवान की बड़ी पूजा किया करते थे, और उस मंदिर के ठीक बगल में एक मुजरा करने वाले का घर था, और वो वहाँ मुजरा किया करती थी। जो साधु थे वो रोज़ पूजा करते थे, सुबह 4 बजे आरती करते थे, इधर मंदिर में घंटी बजनी शुरू करती थी, और उधर मुजरा वाली करने वाले के यहाँ मुजरा का काम शुरू होता था। दोस्तों, दोनों ये प्रक्रिया जीवन भर चलता रहा, और जब दोनों इस दुनिया से गए और भगवान के पास गए तो सबसे पहले मुजरा करने वाली थी, और जैसे ही वो गई, भगवान ने उसे देखा, मुस्कराया और उसे एक चाबी दिया। वो चाबी थी स्वर्ग की, और ये देख करके जो मंदिर का पुजारी था वो बहुत खुश हुआ कि चलो, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या किया है। तो दोस्त, जैसे ही वो पुजारी की बारी आई, भगवान ने उसे नर्क की चाबी दी। ये देख करके वो बौखला गया और चिल्लाने लगा कि प्रभु, ये तो अन्याय है, ये तो गलत है। मैंने जीवन भर आपकी पूजा किया, तपस्या किया, सुबह 4 बजे भोर में उठ करके हमने आरती किया, रोज़ सुबह 4 बजे नहाया, और ये मुजरा करने वाली इंजॉय कर रही थी, और आपने इसे क्या दिया, स्वर्ग दिया और मुझे नर्क दिया। तो भगवान ने बोला कि देखो, तुम कर्म के आधार पर तो तुम पूजा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा उस मुजरा करने वाले के पास था। आप सोचते रहते थे कि देखो, ज़िंदगी कितना मज़ा ले रही है, मैं कहाँ फंस गया, लेकिन वो मुजरा करने वाली मुजरा का काम तो कर रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत व्यथित थी, चिंतित थी। वो सोचती रहती थी कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, कि मुझे इस जन्म में ये कर्म करना पड़ रहा है, और इस जन्म में भी बुरे कर्म कर रही हूँ। उसका मन बार 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 उस मंदिर में होता था कि देखिए, उस साधु बाबा का, उस पुजारी का कैसे अपना लोक परलोक सुधार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको जो परिणाम मिलेगा, वो आपके कर्मों के आधार पर मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, मेहनत से बरकत नहीं होती है, नियत से बरकत होती है। आपके कर्म के पीछे का नियत क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्त, अच्छे नियत के साथ, पूरे दिल से, ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ ज़िंदगी को जिए, और मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सब लोग इस यूनिवर्स में जो आए हैं, एक विशेष मकसद से आए हैं। एक ईश्वर ने कोई ना कोई आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद से यहाँ भेजा है, उसको पहचानिए दोस्तों, और पूरे दिल से काम करिए। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, थैंक यू।